प्यारे किसान साथियों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कावत को चरितार्थ करता ये वीडियो। देखा आपने, आंखें भर आती है ऐसा वीडियो देखकर। ऐसा वीडियो एक नहीं, कई सारे हैं। ऐसा बहुत सारे ऐसे वीडियो, ऐसी घटनाएं होती है जिसको हम नज़रअंदाज करते हुए फिर से शुरुआत कर देते हैं अपने काम की, फिर से शुरुआत करने लग जाते हैं अपनी यही लापरवाही की, फिर से काम करते रहते हैं लापरवाह कार्य, जिनसे फिर घटती है घटनाएं और फिर पाते हैं हम उसी तरह से ऐसे दृश्य। ये झकझोर देने वाला दृश्य होता है। ये एक किसान के परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदायक, बहुत ही पीड़ादायक वीडियो। इस पर क्या बीती होगी जो ये आपने वीडियो देख रहे हैं जिसका। तो किसान साथियों, हाथ जोड़कर निवेदन है, आज मैं आपको सिर्फ 5 टिप्स बताऊंगा, बहुत बढ़िया, इसको आप फॉलो कीजिए और इस पर अमल कीजिए ताकि ऐसे जो दृश्य हमें देखने को नहीं मिले, ऐसी घटनाएं नहीं घटे। और कुछ सावधानी रखेंगे तो हमारी जो इस प्रकार के कार्य है इसमें सावधानी पूर्वक अगर कार्य करेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेंगी और किसान खुशहाल रहेगा। किसान वैसे ही मजबूर है और फिर ऐसी घटनाओं से किसान का बिल्कुल आत्मा झकझोर जाती है, उनके परिवार में एक बहुत बड़ा पहाड़ सा गिर पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, 5 टिप्स। सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आप थ्रेसर में अगर कार्य कर रहे हैं, ऊपर चढ़कर कर रहे हैं या नीचे से आप डोली वाली थ्रेसर में डाल रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपकी जो या तो फिर हाफ आस्तीन का निमित्त पूरी आस्तीन का कपड़ा पहने, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है, पूरी आस्तीन का कपड़ा पहने, उसके जो बटन है उसको लगा दीजिए। अगर आपके बटन टूट रहा है तो आप किसी भी चीज़ से, रबड़ से बांध सकते हैं या फिर सूतली से बांध सकते हैं, पर यहाँ आपके जो अच्छी तरह से बांध लीजिए और अगर आपको बटन है तो बटन लगा दीजिए दोनों में ये, ठीक है। थोड़ा फिटिंग वाला कपड़ा पहनिए, अगर आप टी शर्ट पहन सकते हैं तो टी शर्ट पहनिए, अगर आप शर्ट पहनते हैं तो थोड़ी फिटिंग रखिए, ठीक है। उसके अलावा माथे पर गमछा, साफी वगैरह कुछ नहीं रखना, इसका विशेष ध्यान रखिए। अगर आप साफी रखना चाहते हैं, गमछा रखना चाहते हैं, तो उसको इस तरह से अच्छी तरह से लपेटिए, अच्छी तरह से को खुल कर गिर ना जाए, ऐसा ध्यान रखना आपको, ठीक है। इनसे ये होगा दोस्तों कि आप पूरी ये आस्तीन वाला कपड़ा पहनने से कोई भी अगर छोटा बड़ा कीट पतंगा जानवर, जीव जानवर होगा तो आपको कुल मिलाकर सेफ्टी रहेगी आपको और फिर हाथों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, अगर आप थ्रेसर के ऊपर हो या फिर नीचे हो या आप डोली वाली थ्रेसर में डाल रहे हो तो, और या फिर आप फसल के ढेर से फसल को उठाकर ला रहे हो, तो दूसरी बात यह है कि आपको वहाँ से उठाते समय, हालांकि बहुत जल्दी का काम होता है, फिर भी आपको जितना हो सके उस जगह पर ध्यान रखिए, कोई भी जानवर कोई भी जीव जंतु हो तो उसका वैसे हिसाब से उठाइए, और उठाकर डालने का तरीका आप जैसे डोली में डाल रहे हो तो थोड़ी दूर से डालिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डोली को टच करके नीचे डाल रहे हैं और फिर उसमें दबा रहे हैं। यही कारण होता है दोस्तों, डोली की थ्रेसर में घटना घटने का नंबर वन कारण ये होता है कि जैसे आप डोली के अंदर डालते हैं तो घूमने के साथ में वो आपकी फसल को अंदर खींचता है। तो किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि अगर मूँगफली हो गई, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, इसका क्योंकि एकदम बड़ा सा एक लेके आते हैं पोला, उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वो जो अंदर के घूमने के लिए सापड़ लगी और उसके जो हते लगे होते इतने लगे होते हैं उसके तक छूत नहीं पाते, और क्या होता है कि घूमने के साथ में वो खींच नहीं पाते, और फिर किसान क्या करता है कि हाथ से उसको अंदर दबाता है। अंदर दबाने के कारण आपका अगर हाथ फंस गया बाय द वे, और या फिर अंदर
अगर वो चल रही है लगातार वो तो चलेगी, अगर आपका अंदर हाथ रह गया और आपकी फसल को भी उसने पकड़ लिया तो दोनों साथ में जाओगे। ठीक है, थ्रेसर में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ब्रेक नहीं होता है जो आप एकदम से उसको ब्रेक लगाकर आप रोक सको, ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं उसमें। तो अगर आपका हाथ चला गया, हाथ में उसमें फंस गया और उसके जो दांते हैं मशीन को वो घूमते रहेंगे तो कोई आपको छोड़ेंगे नहीं। आपका हाथ गया, यहाँ तक चला गया, फिर आप अंदर चले जाओगे पूरे के पूरे। तो दोस्तों इसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि आपको अंदर हार नहीं डालना। अगर आपके पास में कोई लकड़ी है, आप लकड़ी रखने में एक गीली लकड़ी रखिए, सूखी मत रखिए ताकि थ्रेसर को नुकसान नहीं हो। आप गीली लकड़ी रखिए जो थोड़ी बहुत टाइट हो, तो उस लकड़ी से आप अंदर ऐसे ठोक के बेच सकते हैं डोली वाली थ्रेसर में, ऊपर भी ऐसे ही कर सकते हैं। आपको हमेशा थ्रेसर के अंदर गीली लकड़ी रखनी। इसके अलावा अगर दोस्तों आप कटर के अंदर कार्य कर रहे हैं, कटर में जैसे वो पीछे से दिया जाता है तो उसमें अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि जो गियर होता है, गियर के पास में वो कटर के अंदर जो उसके अंदर पहिया नुमा लगे होते हैं, नीचे पट्टा लगा होता है, उस पट्टे और उस सापट मिलकर दोनों उसके बीच में फसल जाती है, उसको पकड़ के अंदर खींचते हैं, अंदर कटिंग होती है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे कोई भी फसल अपन धको रहे हैं और कई बार वो स्लिप कर जाती है और रुक जाती है, तो हम क्या उसको ज़बरदस्ती धकेलते हैं तो उसमें ध्यान नहीं रहता है धकेलने में, और अगला वाला जो हमारा हाथ है चाहे इस धकेल हो या चाहे इस तरह से, अगला वाला हाथ जो उसमें उसके जो खांपे होते हैं, दांते होते हैं, उससे सापट के गोल या बना हुआ होता है चक्कर टाइप, उस दांते में फंस जाता है और फंसने के बाद में कुछ भी कर लो वो नहीं छोड़ेगा। अगर आपके पास वाला स्टाफ जो अगर दो आदमी ऊपर है, कोई अगर गियर को अगर बंद करना जानता है तो वो एकदम से उल्टा कर देगा ताकि आप निकल जाएगा। अगर आप अकेले हैं या फिर दो है और एकदम से डर गए हैं और नीचे कूद गया दूसरा आपका साथी, तो बिल्कुल साथ में अंदर चले जाए। इस स्टेज का विशेष ध्यान रखें और इतनी सावधानी रखिए कि वहाँ हाथ जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल पास में, थोड़ी दूर पे आप छोड़ दीजिए उसको। इसके अलावा आप इतना फुर्तीला आदमी को वहाँ ऊपर रखिए कि अगर ऐसी कोई घटना होने की आपको आशंका हो जाती कि हाथ थोड़ा सा अंदर चला गया तो फुर्ती से गियर को बैक कर दे ताकि वो उल्टा घूमने लग जाएगा और आपका जो हाथ है वापस निकल जाएगा और आपका हाथ में जितना नुकसान होगा वो तो हो गया ही, लेकिन फिर भी बचाव हो जाएगा। अगर आप डर के नीचे भाग जाते हैं तो वो आपका जो पूरा साथी है वो अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के साथ में आप समझ रहे हैं उसके साथ में क्या होगा, ये वीडियो आप देख ही रहे हो। ऐसी घटनाएं बहुत सारी जगह पर होती है, तो किसान साथियों निवेदन है, ठीक है, दो ये हो गए। तीसरा ये आपको ये है कि आप जो लास्ट के अंदर जो कचरा बचा हुआ रहता है उसको आप तगारे या किसी दूसरी वस्तु से ले जाकर डायरेक्ट ऊपर वाले जिसमें डालते हैं, तो उसमें क्या कि फुर्ती के समय सबसे प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम पर चलता है, एक घंटे की रेट से वो लेते हैं, तो आप जल्दी करने के चक्कर में जल्दीबाजी में वहाँ जल्दी जल्दी अंदर तगारे डालते हैं तो उसके साथ में आप भी चले जाते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे जो तगारे डालने के साथ में अंदर चले गए और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप लाइट की थ्रेसर से कार्य कर रहे हैं तो चौथी बात यह है कि आप लाइट की पूरी सेफ्टी रखें। थ्रेसर कोई भी हो, थ्रेसर के अंदर ब्रेक बिल्कुल नहीं होता है, लाइट की थ्रेसर है तो करंट को आप अपने हिसाब से साइड में रखिए, ठीक है। आप पूरी सेफ्टी से कार्य कीजिए, अपने जो साथी है दूसरे अच्छी तरह से मुंह पर स्कार्फ बांध के, अपने ढीले कपड़े नहीं पहने, बिल्कुल फिटिंग कपड़े पहनकर, अच्छी तरीके से जूते पहनकर फिर ही थ्रेसर में कार्य करें। दोस्तों पांचवी बात, जीव जंतुओं के बचाव के लिए आपको विशेषकर अपने जो आपका ढेर होता है वहाँ पर ध्यान रखना है, उठा उठा के रखने में, डालने के अंदर आपके जो भी स्टाफ है, पूरी की पूरी आपके जो परिवार है उसको पूरा अच्छी तरीके से ये कीजिए कि आप वहाँ के हिसाब से उठा कर लाए और उसके अंदर दूर से डालें। हमारी जो माता बहनें हैं वो उसके क्या कि लुगड़ी होती है साड़ियाँ, तो वो क्या करती है कि खुली खुली सी साड़ी रहती है, वो आके उसी भागते हुई वहाँ से उठाती है, आके अंदर डालती है, अंदर उसके साथ में उसकी साड़ी चली जाती है और साड़ी का इतना सा पल्लू फंस गया सारा का सारा अंदर चला गया और उसके साथ में अपनी माता बहनें जो है अंदर चली जाती। तो इस बातों का विशेष कर ध्यान रखिए दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय जवान।